लाइट नहीं है ना, बंद। यहाँ क्या बोलते, लाइट नहीं थे। भोजपुरी सीख जाएंगे आज धीरे। आपका जो है फॉलो कराएंगे जो है कि दूर छोड़ लेगा। तो देखो आपने यहाँ पे पूरा छोड़ दिया ना, पत्ती छोड़ा गया उसका। मैं वही बोल रहा हूँ, पत्ती छोड़ा ना, ये नहीं खाता। तो इसके दो फायदे, पहले तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको ले जाने के लिए बाहर। दूसरा ये पौधे को पूरा न्यूट्रिशन दे रहा है। आपके पिताजी हैं, इन्होंने जो भी कमाया जीवन भर वो तुम्हारे लिए कमाया, मरते मरते भी तुम्हारे लिए सोच के जाएंगे। वैसे ही ये पौधा अब जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है, अब इसका काम खत्म हो गया है। आप तो इसके अंदर जितना भी खाद भरा है वो इसी का है। ये धीरे धीरे रिवर्स होकर इसको दे जाएगा पूरा। आपने वीडियो देखी होंगी सारी, अब जैसे ये आ रहे हैं ना पत्तियाँ, अब ये जो है इनको निकलवा लो इसमें से। पत्ती है वहाँ से कटवा दो, निकलवा लो इनको, इनको काट के जमीन पर डाल दो और अगली बार से बेड पे पौधा लगाओ। तो लग गया था जी, बहुत बढ़िया। अच्छी हो रही है पेड़ी आपकी, सही वैरायटी का मायने रखते हैं। रस्सी बांधे का तेल का होना क्या चाहिए। जब आप बेड पे लगाएंगे ना तो एक तो आपका पानी कम लगेगा, खाद कम लगेगा। कभी आपने इसमें बीच में पता नहीं क्या क्या फेंक मारा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको रेसिडू फ्री बना के दो, जो भी खाद दो रेसिडू फ्री बना के। अब जाड़ों में आपने क्या करना है, इसके तने पे या हो सके जहाँ तक मिट्टी का स्प्रे ले लो। आपका खेत बाकी खेतों से बेहतर स्थिति में है लगभग, जो मैंने देखे हैं। ठीक है, फंगस का प्रकोप बहुत कम है इसमें। जो उधर है ना, उधर पत्तियाँ सूखी हैं नीचे का। हाँ, तो जो पत्ती सूख रही है, जैसे ये पीला पड़ रहा है, देख एक तो इसमें मिट्टी, यहाँ तक मिट्टी होना चाहिए। मिट्टी लगवा दें, मिट्टी उठाना है तो पौधे की जड़ों से बीच दूर से। देखो मिट्टी तो चाहिए। अब आप ये देखो इसको ध्यान से, जितने सीधे लेके आओ। बहुत सारे पौधे हुआ है इस पे, कहाँ मिट्टी है बताओ। इसकी पूरी जड़ें ओपन है, आप देखो खुद देखो ना, है कि नहीं। हाँ, लेकिन मिट्टी होना चाहिए। तो इस पर तुरंत मिट्टी रखो, कहाँ तक, यहाँ तक। नहीं रखोगे तो जड़ों में और रिवर्स जाएगा, जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी। हालांकि आपके यहाँ ठंडी, हमारे यहाँ के टेम्परेचर से बहुत डबल अंतर है। हम लोग क्या कम है, अभी हम इस समय चाहें तो अंदर की टी शर्ट से काम चला सकते हैं। आप हमारे यहाँ जाइए बिजनौर में, इस समय धुआं निकल जाएगा। अब जैसे ये फल है, अगर इसके ऊपर बंच कवर होता तो ये जो पीला पीला पड़ रहा है ये नहीं पड़ता, और एक सुंदर क्वालिटी निकल के आती है। और इसका बंच मैनेजमेंट करो, ये नीचे के दो पंजे किसी काम के नहीं है। अब ये छोड़ दिया गया है। हाँ हाँ, दो तीन ट्रीटमेंट करो। देख लिया मैंने लगभग, ठीक तो चुने वाला। सबसे पहले ब्लीचिंग वाला ले लो, ब्लीचिंग और कॉपर वाला हो गया। और क्या कॉपर, ब्लू कॉपर वाला नहीं, वो नहीं हुआ, वो करवाओ। उसके साथ में एक आप ले लो चुने वाला। 200 लीटर में चूना कितना रहेगा, 2.5-3 किलो यहाँ पे देना है। 200 ml, हाँ एक पौधे को 200 ml। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा सरसों की खली 2.5 किलो चूना, 5 किलो समुद्री खड़ा नमक, मोटा वाला ढेले वाला जो गाँव में मिलता है। हाँ। और उसके अंदर 20 किलो सरसों की खली। हाँ। मिला करके प्रति पौधा 200 ml यहाँ पे देना है आपने। ठीक है, हेलो। और उसके अलावा ये 15-15 दिन पे दो बार करना है सरसों की खली वाला, हो जाएगा। ठीक है, और एक आपको और बताऊंगा मैं, जो वर्मा जी को आएगा। अच्छा, एक और इसके साथ में एक हमारा न्यूट्रिशन का चलेगा। हाँ। वो मैं वर्मा जी को बताऊंगा, इनका नंबर है आपके पास। हाँ। ये तो मैं आपको भेज दूंगा, मुझसे मांग लीजिएगा। ठीक है, वो आप चलवाइएगा। सुपर माल आप इसमें निकालेंगे। और बंच कवर 100% लगाना, किसी की मत सुनना। आपको लगता है कि फल आने के बाद फल पे स्प्रे करोगे तो वजन आएगा, फल पे स्प्रे नहीं करोगे तो ज़्यादा वजन आएगा। समझ रहे हो, स्ट्रेस होता है फल। फल निकला, पहला मिट्टी का स्प्रे, दूसरा मिट्टी का स्प्रे, तीसरा मिट्टी का स्प्रे, चौथे पे नमक और फिटकरे वाला स्प्रे करना है और बंच कवर लगा देना है। घर जाके बैठना 2.5 महीना, 2.5 से 3 महीने बाद आओ, बंच कवर खोलो, अगले साल के लिए रखो,
चमाचम ऐसा कलर आएगा जैसा आपका इसका पीछे वाले डंडे का कलर है, ऐसे कलर का केला बनेगा। और वैसे करोगे तो कमर टूट जाती है, 10 से 12 स्प्रे हो जाते हैं, फिर बंदी होती है रस्सियाँ, साला ना निकल सकते ना अड़ सकते, और 12 रुपये खर्च करते हो आप उसके ऊपर, एक पेड़ पे 10 से 12 रुपये खर्च होता है। तो ये पागलपन करने से अच्छा है कि जेंटलमैन तरीका अपनाओ। वो क्या है, 2000 रुपये की रजाई ओढ़ने से अच्छा 300 रुपये की जैकेट पहन लो, नहीं तो रजाई लपेटते रहोगे रास्ते में, 2 कदम चलोगे फिर ये बंच कवर लग जाएगा तो उसमें कीड़े भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। हमारा वीडियो देखे हो? हाँ देखे हैं। फिर और अभी से बड़ा प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, ना कीड़ा आएगा ना फंगस आएगी ना उसमें उमस नहीं बनेगा। किसमें? छेद है ना, छेद रहता है उसके अंदर, छेद होता है। मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे बी किसान से मंगवा लेना, अभी तक बी किसान ही बना रही है बंच कवर, जो एक्चुअल बंच कवर है। वर्मा जी से तो बहुत जानदार चलता है, मिल लेना, इसको और जानदार करा दूंगा मैं, अभी प्रीमियम क्वालिटी कटवानी है आपको, ठीक है? करवाइए। हाँ, कितना पौधा है ये? ये 1800। 2000 ही मान के चलो आप, ठीक है भैया? ठीक है। और आपका नाम क्या है? विनय कुशवाहा। विनय कुशवाहा, आपसे तो बात होती है मेरी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है विनय भाई। और अगली बार इसको टमाटम करके बेड बेड बना के फिर लगाओ इसमें रेवा प्लस। हाँ, रेवा प्लस। 10 साल के लिए जय हिंद, 5 साल तो कम से कम जाएंगे। चारों तरफ से गन्ना घास, 3 थंब रूल हैं, चारों तरफ से गन्ना घास, बाउंड्री पर डबल पौधा 3-3 फीट पे, और अंदर 5x8, और नाली पाली, कचरे की मल्चिंग, और हम भैया 10 साल के लिए मुक्त। 10 साल नहीं लगेगा नया पौधा सर, जब 5 साल तो बिल्कुल नहीं लगना है। सर इसको कब गिराया जाएगा? ये खुद गिरेगा भाई साहब, ये खुद अपने आप यहाँ तक आके लुढ़क के लेट जाएगा जमीन पे। बहुत जगह गिर गया है, अपने आप गिर चुका है। हाँ, बगल में गिरा, ये इस टाइप से हो जाएगा, इसको यहीं डाल दो। अब ये जो है, अगर ये इसकी जड़ में हो यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। अभी आप क्या देखोगे, इसको 15 दिन यहीं रहने बाबू जी, 15 दिन के बाद आपको यहाँ पे जड़ें मिल जाएंगी इसकी। हम तो सब कचरा लाइन में लगवा देंगे। हाँ, ये बढ़िया है, इसी लाइन में चलना है पूरा कचरा, ठीक है? आप लोग आओ धीरे धीरे, आप लोग यंग ब्लड अगर इस तरफ नहीं आएगा तो हमारे आने वाली जनरेशन भाई साहब मर जाएगी जहर खा खा के। ये केले को उगाने में इतना डाल रहे हैं कि जहर है उसमें, ताकत नहीं है, चूने से काम चल सकता है मेरे भाई, तो 1500 की बोतल क्यों लानी है? अगर 15 रुपए के चूने में काम हो रहा है तो काहे हम लेने के लिए बोतल जाएंगे बाजार 1500 रुपए का। सर अधिकांश पेड़ में दिखने को मिलता है, पत्ती सूखने लगती है, क्यों? फंगस ज्ञान ना होना, समय से उसका उपचार ना करना। अगर ऐसा होता तो जैसे बाग भी होता है। आप मेरे साथ लगे रहो, मेरी गारंटी इस बात की, चैलेंज है मेरा, अगर मेरे साथ टच में है 10-10 दिन पे जो बात मैं बोलता हूँ आपको अंदर से फीलिंग तो आती होगी यार अच्छी है, करने में थोड़ा शारीरिक कष्ट है, वो आदमी को लगता है अरे यार वो एक दो बार लगेगा, बाद में आपको आनंद आ जाएगा उसमें, ठीक है? जब फसल आ जाती है, अरे उस समय बोलोगे राहुल भैया मजा आ गया, तब नहीं बोलोगे चार 2 रुपये फालतू मिला राहुल भैया लो तुम्हारा डीजल भरवा दूँ। चलो ठीक है, चाहिए भी नहीं, जाएंगे।